Hi friends welcome to my channel super knowledge 313 this is Vakaram Siddiq and today I will going to show you how we will disable our device in gent vigilant panel this is this is this panel is uh, a vigilant compact panel but gent vigilant and compact have same operation inside okay this function is same so you can do in the same process uh, disabling of device in also in जेंट विज पैनल हिंदी बोल देते हैं आपको हम तो आज हम आप आपको बताएंगे कैसे हम किसी डिवाइस को डिजेवल करते हैं ना अपने इस जेंट विजन पैनल में या विजिलन कंपैक्ट पैनल में ओके okay? तो इस एक्चुअली हम डिवाइस को कि, 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 किसी भी डिवाइस को डिजेल क्यों करते हैं किस कंडीशन में करते हैं जब हमें मान लीजिए हमें मेंटेनेंस करना है किसी जोन को किसी डिवाइस को किसी भी किसी भी चीज़ को आप एक जोन को कर सकते हैं एक लूप को भी कर सकते हैं है ना तो यहाँ पर डिवाइस के लिए करेंगे हम तो आप कैसे करें क्यों करते हैं मानते जहाँ पर इनोवेशन हो रहा है चला किसी रूम में किसी एरिया में किसी आपके पास बहुत बड़ा लूप है लूप में दूसरे डिवाइस है कुछ डिवाइस मान लीजिए दस डिवाइस बीस डिवाइस को वहाँ पर इनोवेशन हो रहा है वो शॉप है कुछ भी है इनोवेशन करना चाहते हैं वो लोग उस डिवाइस में वहाँ पर काम होगा काम होगा तो डस्ट होगा डस्ट होगा या फिर कट जाएगा केबल कुछ भी आएगा या वो लोग रिमूव कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फॉल्ट आएगा अलार्म बार आएगा आपके पास है ना डस्ट की वजह से तो हमें जब मेंटेनेंस की जरूरत जब मेंटेनेंस करना होता है या फिर इनोवेशन होता है उस केस में हम किसी डिवाइस को डिजेबल कर सकते हैं एक या दो या पूरे लूप को कई डिवाइस को आप कर सकते हैं ना तो डिवाइस जब डिजेबल हो जाएगा तो फिर वहाँ से अलार्म नहीं आएगा उस डिवाइस में अगर धुआं भी होगा स्मोक भी होगा कुछ भी होगा आग भी लग जाएगा फिर वहाँ से नहीं आएगा तो ऐसे जनरल कंडीशन में कभी नहीं करना है डिजेबल लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो करना है तो आप कंफर्म बता बता देते हैं आपको कैसे करना है डिजेबल है ना इस स्टूडेंट में तो इसके लिए पहले क्या जाएंगे हम लोग मेनू जाएंगे मेनू में है ना ओके okay. मेनू जाएंगे मेनू से आपके पास कई ऑप्शन आए है ना कंट्रोल सेटअप इन्फो टेस्ट ओके चार ऑप्शन है तो हम जाएंगे कंट्रोल मुश्किल में एफ वन दाना पड़ेगा ना एफ वन एफ वन के ऊपर कंट्रोल था अब यहाँ पर आया इनेबल डिजेबल हमें पहले डिजेबल करना है एफ टू से डिजेबल ला okay? देंगे ओके देखिए ऊपर नीचे बटन है देख ना एक दो तीन चार एफ वन एफ टू एफ थ्री फोर अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सेंसिंग या इनपुट आउट इनपुट आउटपुट इसके मोडूल्स वगैरह या साउंडर या या आगे जाएंगे तो सेक्टर है जोन है ग्रुप है आगे जाएंगे बिल्ड है मास्टर एलार्म है एम सेक्टर है तो ये सब है और रिले है इसमें था ना रिले वगैरह ज्वेलरी ये सब जो चीजें हैं इसके अंदर तो ये पोर्ट्स हैं ये पोर्ट्स इसको सब पोर्ट्स को भी आप डिजेबल कर सकते हैं ठीक है ना सो जो तो डिजेबल कर रहे हैं ताकि अलार्म नहीं आएगा ना मास्टर पोर्ट या पोर्ट ये सब भी इसमें ऑप्शन था ना जोन का ओके तो so, हम लोग हम लोग हम लोग क्या करना है डिजेबल हमें करना है डिजेबल ये देखिए सेंसिंग को ठीक है यानी कि सेंसिंग में इसकी सेंसिंग में क्या होता है स्मूथ ही डिरेक्टर हीट डिटेक्टर है एम है ये सब एक्चुअली हाँ तो ये सब सेंसिंग में आता है बीम डिटेक्टर है ना तो सेंसिंग में जाएंगे हम है ना देख लीजिए ओके डिजेबल करना है आप, आपको यहाँ पर एड्रेस डालना पड़ेगा ना एड्रेस आपके पास पहले से होगा लूप नंबर और एड्रेस नंबर ये चाहिए होता है ठीक है ना आप ड्राइंग में देख लीजिए कहाँ पर करना है तो ड्रॉइंग से आपको पता चले जाएगा ठीक है ना तो सेंसिंग में है मान लीजिए मैं लूप डिवाइस नंबर वन यहाँ से दबाइए है न कीपैड है वन डाल दिए अब फिर लूप मारेंगे ठीक है ना पैरामीटर्स में एक से लेके दो, दो सौ तक जा सकते थे आप यहाँ पर क्या है लूप डाल दिया ना लूप कौन सा तो वन एक ही लूप है यहाँ पर अब यहाँ पर इंटर करेंगे देखिए क्या हो गया डिवाइस डिजेबल्ड नंबर वन ऑन लूप वन और, और यहाँ पर आपका डिजेबलमेंट आ गया है, ठीक है ना तो ये फॉल्ट भी आएगा ठीक है ना ऐसा ये फॉल्ट आता रहेगा ओके आप यहाँ जाएंगे अगर आपको अगर एक्टिव फॉल्ट में जाना है इन्फो में तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा डिजलमेंट का फॉल्ट है ना देख देखें नेटवर्क नेटवर्क की वजह से वो है ना दो फॉल्ट आ रहे हैं ठीक है ना तो इस तरह से आप ये डिजेबल हो गया ना अब इसको अगर इस इनेबल करना है तो वही है इनेबल करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा आप मेन्यू में जाएंगे कंट्रोल में जाएंगे और इनेबल करने के लिए फिर आपको डालना पड़ेगा सेंसिंग में हाँ जो जो डिवाइस आप किए हैं उसको नोट करके रखना पड़ेगा ठीक है ना आप जो डिवाइस किए हैं डिजेबल उसका आप डेटा तैयार कर रखें कि उस कौन सा डिवाइस डिजिबल है ताकि आपको फिर से इनेबल करना हो तो आप वहाँ से ले सकें नंबर डिवाइस नंबर और लूप नंबर डिवाइस सेंसिंग में बंद है तो वन दबा लेंगे लूप में वन है तो लूप वन दबा लेंगे है ना देखिए लूप वन दबा दिए हम ठीक वन यहाँ से ओके अब यहाँ पर इंटर है एंटर करने का ऑप्शन आता है कैंसिल या एंटर या क्विट ओके तो इंटर मार देंगे ठीक है डिवाइस इनेबल हो गया ठीक है ना तो इस तरह से आप डिवाइस को डिजेबल करें और फिर आप उसका डेटा रखेंगे ताकि उसको इनेबल भी कर सके ठीक है तो ये प्रोसेस था ओके क्विट हो गया ऐसे कर तो ये नॉर्मल हो जाएगा या फिर विजिट मारेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा ठीक है ना